दोस्तों नमस्कार, सभी भाई भाई फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव्य पर। दोस्तों कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कांकरेज गाय को लेकर, आज मैं दोबारा फिर से एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफी सारे भाइयों की डिमांड आ रही थी कि यार हमें ना कुछ गाय सेलेक्ट करके दीजिए, तो ये एक वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ स्पेशली उन भाइयों के लिए जो कांकरेज गाय खरीदना चाह रहे हैं। और सेलेक्ट मैं आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो अच्छी प्रेग्नेंट गाय हैं, बढ़िया शरीफ गाय हैं, ना कोई लात मारती ना कोई सिंग मारती है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं इस झुंड में, ये सारी की सारी प्रेग्नेंट गाय हैं, पहले और दूसरे ब्यात की हैं, मोस्टली पहले ब्यात की हैं, एकाध कोई दूसरे ब्यात की है। आप देखेंगे कि इनके जो सिंगों का पैटर्न है बहुत शानदार है। जैसे ये गाय हैं बहुत ज्यादा बहुत अच्छे सिंगों वाली हैं। सिंगों से कुछ भाई डरते हैं, उन भाइयों के लिए बताना चाहूंगा जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, कांकरेज गाय के जितने बड़े सिंग मोटे सिंग होंगे उतनी ज्यादा वो कॉस्मिक एनर्जी सिंगों के माध्यम से लेती है अपने अंदर, और सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से अपने दूध में उसके गुण आते हैं, गोबर में और गौमूत्र में गुण आते हैं। ये जो आप सामने गाय माता देख पा रहे हैं, ये सारे के सारी पहले और दूसरे ब्यात की हैं, प्रेग्नेंट हैं, ये सारी की सारी 5 से 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं। और क्योंकि प्रेग्नेंट गाय लेने में ये फायदा है कि ये जब अपने स्थान पे जाएंगी ना, अपनी जगह पे, तो ये वहां जाके एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर आप दूध वाली गाय लेते हैं कोई भी, तो दूध में क्या है कि उतनी भाई उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता, दूध नहीं आ पाता, क्योंकि ये गाय खुली रहती हैं और थोड़ा सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा लेती हैं। तो उन भाइयों के लिए जो अपने घरों में अपने डेयरी फार्म पे स्पेशली कांकरेज गाय रखना चाह रहे हैं, और इनके पास में बुल भी है, ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बछड़ा है, ये भी इस हड के साथ में जा सकता है, ले सकते हैं कोई भी। ये जो आप गाय माता सामने देख पा रहे हैं जी, इनके सिंगों का जो पैटर्न है कि यही खास पहचान होती है, जितने मोटे सिंग होंगे उतनी ही और छोटा मुंह होगा उतनी ज्यादा प्योर ब्रीड होती है ये, आप देखेंगे। अच्छा इसमें ना 2-3 तरह के कलर मिलते हैं, एक तो जैसे ये पूरी पूरी व्हाइट होगी, एक ये ग्रे कलर होगी और एक पूरी जेट ब्लैक होगी, ये 3 कलर इसमें मिलते हैं। ये हल्का हल्का जैसे ग्रे शेड है और इसमें पूरी जेट ब्लैक भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी जेट ब्लैक। ये आप देखेंगे जी, इनका मुंह बहुत छोटा है और सिंगों का पैटर्न बहुत ही ज्यादा शानदार है, शरीफ है बिल्कुल, किसी तरह का कोई भी चिड़चिड़ापन नहीं है, लात नहीं मारती सिंग नहीं मारती है। सिंगों की वजह से ये थोड़ी सी आपको अग्रेसिव जरूर लग सकती हैं, लेकिन इतनी ये बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं, बहुत शांत स्वभाव की गाय माता है। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ये पहले पहले ब्यात की बछड़ियां हैं, सारी 51 बछड़ियां हैं, मोटे मोटे सींग है, सींगों से इनकी मैन पहचान होती है, और ये सारी सेल के लिए अवेलेबल कराई जा रही है। इसमें से पहले और दूसरे ब्यात की हैं ये, कोई भी भाई इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ और दिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों जो आप सामने गाय माता देख रहे हैं, ये पूरे जेड ब्लैक कपिला है, काली कपिला जिसको बोला जाता है, और कांकरेज ही एक वो ब्रीड है जिसमें 100% प्योर जेड ब्लैक कपिला मिलती है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये प्रेग्नेंट बछड़ी है, पहली बार ब्याएगी, और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर का काठी बहुत ही जबरदस्त है, अच्छी हाइट लेंथ की गाय है, और इसके सींगों का पैटर्न बहुत बहुत शानदार बढ़िया है, लंबे लंबे कान हैं, बहुत बढ़िया है। ये कितने महीने की है? ये एक और बछड़ी है, ये पूरी तरह काली नहीं है, लेकिन ये भी उसी तरह की है, ये भी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, और एक और काली है, एक और काली मैं आपको दिखा रहा हूँ, काली कपिला। ये कितने दिन की पे हुई है? अच्छा ये जी 15-20 दिन में ब्याएगी, पहली बार ब्याएगी, ये दूसरी बार ब्याएगी, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अभी अडर बनाने लग रही है, अभी लेगी कुछ दिन। तो इस तरह की काली कपिलाएं भी मिल जाती हैं, देखिए बैठिए, ये आप देख सकते हैं जी, इनके पास में पूरी प्योर जेड ब्लैक बछड़ियां काफी हैं इनके पास में। ये इनका सिंगों का पैटर्न आप देख सकते हैं, छोटा मुंह है, बढ़िया सिंग है, और ये आप देखिए, ये
ये छोटी बछड़ी है और इनके पास में काफ़ी सारी गायें हैं जो कि सेल के लिए अवेलेबल कराई जा रही हैं। जो भी भाई ब्लैक कपिला पे, काली कपिला पे काम करना चाह रहे हैं, उन भाइयों के लिए ये इस तरह की गायें आप रख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये गायें हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके जो सिंगों का पैटर्न है बहुत ही शानदार है और शरीफ ब्रीड है ये वैसे ही, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे मैं भी इनके लिए थोड़ा नया हूँ तो इसलिए इनसे डर भी लगता है कि भाई बड़े बड़े सिंगों को देख के, लेकिन शांत शांत स्वभाव है। अब हाथ घुमाइए बस पे भाई, हाथ घुमाओ, देखो ठीक है, बहुत बढ़िया गाय है, बढ़िया अच्छी भाई। इनका जो दूध का जो अगर उत्पादन की बात करें तो ये लगभग 5-6 लीटर एक टाइम पे दूध देने की सामर्थ्य रखती हैं। बहुत ही अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की गाय है, जंगल में डोल के देती है, जंगल में अगर इनको चराया जाए तो 7-8 लीटर तक पहुंच जाएगी टाइम, एक टाइम का 7-8 लीटर यानी कि 16 लीटर तक आराम से दूध दे देती है। कोई गायें 20-20 लीटर तक भी अपनी क्षमता रखती हैं, वो इन पे डिपेंड करता है कि इनकी कैसी परवरिश की जाती है, कितना किस हिसाब से खान पीन अगर आप दे रहे हो तो बढ़िया अच्छा दूध उत्पादन करने में समर्थ है। ये गाय जो है ना इतनी रफ एंड टफ ब्रीड है कि गर्मी सर्दी बरसात तीनों मौसमों में ये बाहर ही रहती हैं। इनके ऊपर कोई छत नहीं है किसी भी तरीके का, कोई भी इनको दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही अच्छी, जैसे कि ये काली बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की है काली बछड़ी, और अक्सर काली कपिलाओं की डिमांड काफी आती है तो बहुत बढ़िया ये काली। और भी है काली, और भी दिखाओ भाई, काली पूरी काली दिखाओ भाई। ये आप इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ब्रीडिंग, प्रॉपर ब्रीडिंग ना होने की वजह से आप देख सकते हैं कि कईयों का थोड़ा सा रेड कलर में आ गया है, जैसे ये गदरी सी आ गई है तो थोड़ा मिक्स होता जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके पास में अभी भी आज भी काफी अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की गायें बची हुई हैं। अब इसका हम्प साइज देखिए, सिंगों का पैटर्न देखिए, ये अभी जो गाय आ रही है ये भी अभी प्रेग्नेंट है, और आप इसका हम्प साइज देखिए, बहुत बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर की है। ये भी गाबन है और इस तरह की इसका जो सिंगों का पैटर्न अगर हम देखें तो बहुत अच्छी प्योर, काफी हद तक प्योरिटी में है कांग्रेस। हम साइज आप देखिए बहुत बढ़िया है, एक दो और भी आ रही हैं। ये इनके पास काफी सारी काली गायें हैं, अगर कोई काली कपिला पे कोई भाई काम करना चाह रहा है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे कई सारे बुल भी इनके पास में ब्लैक कलर के हैं भाई। अगर जो भी भाई इन गायों को खरीदना चाह रहे हैं, एक गाय, दो गाय, चार गाय, 10 गाय, 20 गाय, तो ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध है और ये 20,000 रूपये के हिसाब से गायें मिल जाएगी प्रेग्नेंट, 20,000 रूपये एक गाय का इनका रेट है, बाकी प्लस ट्रांसपोर्ट लगेगा। तो जो भी भाई लेना चाह रहे हैं वो ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें, इनसे बात कर लें, मेरे से भी बात कर सकते हैं, मैं भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवा दूंगा इन भाइयों के लिए, ठीक है। और बाकी अभी एक दो वीडियो भी और बनाने वाला हूँ, जो ये अभी जंगल में लेके जाएंगे चराने के लिए, तो डायरेक्ट वहां पे अभी और अलग अलग एक एक करके अलग अलग उनकी डिटेल में जरूर बताऊंगा आपको। तो तब तक लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में, जय गौ माता, जय भारत।